इस वीडियो सेशन में हम टॉपिक मेनली कवर करने वाले हैं कि फोटोशॉप में टूलबॉक्स क्या है और टूलबॉक्स के अंदर जो मौजूदा टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं और हर टूल्स का अपना क्या क्या काम है वो सारा कुछ समझना। लेकिन टूल्स जो हैं वो किसी फोटो को एडिट करने में इस्तेमाल होंगे क्योंकि हम फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अब फोटोशॉप में या तो हम कोई नई डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं या किसी बने हुए फोटोग्राफ को पहले से ही बने हुए फोटोग्राफ को एडिट कर सकते हैं। अब बात यह है कि पहले किसी इमेज को ओपन कैसे किया जाए फोटोशॉप में, क्योंकि जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक एडिट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि किसी फोटोशॉप में फाइल को ओपन कैसे किया जाए। ये फोटोशॉप मेरे पास ओपन है। अब किसी भी इमेज को फोटोशॉप में ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहां ऑप्शन मिलेगा ओपन। ओपन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करनी होगी वह इमेज जिसको आपको एडिट करना है। तो जहां कहीं भी आपने अपने कंप्यूटर में इमेज सेव कर रखी हो वहां से ओपन करें। मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज सेव करके रखी हुई है अपने पास और मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास पिक्चर ओपन हो चुकी है तो हम इस पर कुछ एडिटिंग कर सकते हैं और इमेज को एडिट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टूलबॉक्स का। ये मेरे पास कुछ टूल्स मौजूद है। इन टूल्स की हेल्प से मैं अपने फोटोज को एडिट करूंगा। हालांकि टूल्स बहुत सारे हैं तो इस वीडियो सेशन में मुश्किल है कि सारे टूल्स हम लोग कवर कर पाएंगे, तो हम पार्ट्स में टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। एक एक करके सारे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे पर इसके लिए एक से ज्यादा सेशन रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं नीचे से सबसे पहला टूल मैग्नीफायर टूल। ये मैग्नीफायर टूल क्या करता है, जूम इन जूम आउट के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप जैसे जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे आप जूम इन होंगे और जैसे ही आप मैग्नीफायर लेंगे ऊपर के तरफ दो मैग्नीफायर आ जाएंगे। एक मैग्नीफायर पे बना होगा प्लस और एक मैग्नीफायर पे बना होगा माइनस। प्लस वाले मैग्नीफायर का काम जूम इन करना होगा और अगर मैं माइनस वाला मैग्नीफायर लेता हूं तो उसका काम जूम आउट करना होगा। अगर आपको जूम इन करना है तो प्लस वाला मैग्नीफायर लें और जूम आउट करना है तो माइनस वाला मैग्नीफायर लें। और यहां पर नहीं तो हम कह सकते हैं फिट स्क्रीन। तो जितनी स्क्रीन आपकी है उस स्क्रीन के हिसाब से पिक्चर आपको ओपन दिखाई देगी। तो टूल्स कौन कौन से हैं पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूं फिर उसमें प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। तो फोटोशॉप टूल्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडोब फोटोशॉप पर कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं। इन टूल्स को जिस जगह पर व्यवस्थित रखा जाता है उसे टूल बॉक्स कहते हैं। यानी टूल्स की मदद से आप एक फोटो को एडिट करोगे। तो इसमें यहां पर हर एक आइकन एक टूल है जो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका काम अलग ही हो बाकी सारे टूल की तुलना में। और इस पूरे बॉक्स को जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा हूं इस बॉक्स को बोला जाता है पूरे बॉक्स को टूल बॉक्स, जो कि यहां थ्योरी में समझाया हुआ है। इन टूल्स की मदद से हम फोटोशॉप में कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं जैसे फोटो को सिलेक्ट करना, फोटो को साफ करना, मतलब डिस्टॉर्ट हो रही हो कुछ उसमें स्क्रैचेस आ गए हो पिक्चर में तो उसके हिसाब से एडिटिंग करके उसको थोड़ा क्लीन करना, क्रॉप करना, मतलब क्रॉप मतलब होता है काटना, इमेज को काटना, यूजलेस एरिया को ट्रिम कर देना, कलर चेंज करना, ब्लर करना, ब्लर मतलब होता है धुंधला, धुंधला कर देना कहलाता है ब्लर करना। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल हैं और यही नहीं बहुत सारे यूज हैं टूल्स के। अब सबसे पहला ऑप्शन है यहां पर मूव टूल। मूव टूल यानी कि बात की जा रही है इस वाले टूल की।
आप किसी टूल पर ले जाकर अपना कर्सर कुछ सेकंड के लिए छोड़ दें, ऑटोमेटिक वो बताएगा उसका नाम क्या है, मूव टूल, और उसका शॉर्टकट भी बताएगा, वी लिखा हुआ आ रहा है। तो या तो आप क्लिक कर दें या तो कीबोर्ड के हेल्प से वी बटन प्रेस करें तो मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल का इस्तेमाल होता है किसी भी पिक्चर को मूव करने के लिए। हालांकि अभी मैं इसको मूव कर रहा हूं, ये एरर दे रहा है, ये मैं बताऊंगा एरर क्यों दे रहा है, लेकिन इसको क्या मूव करना है ये भी मैं आपको बताता हूं अभी। मूव टूल का प्रयोग इमेज में सिलेक्ट किए गए हिस्से को मूव करने के लिए किया जाता है। मूव टूल मूव करेगा, लेकिन अब बात आ रही है मैं यहां पर मूव कर रहा हूं तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, तो मूव क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। उसके पहले हम देख लेते हैं मार्की टूल। यह कहलाता है मार्की टूल, जहां मेरा कर्सर रखा हुआ, और यह है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसकी भी थ्योरी मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा नीचे है, नहीं चलिए। मार्की टूल का इस्तेमाल करके किसी भी एरिया को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा मार्की टूल को, और मैं इसको सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने ड्रैग करा, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट हुआ तो मिकी माउस का थोड़ा सा कान रह गए, मैं चाहता हूं इस सिलेक्शन को हटाना। तो सिलेक्ट किए गए एरिया को हटाने के लिए सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहां से क्लिक करेंगे डी सिलेक्ट, सेकेंड ऑप्शन डी सिलेक्ट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ डी। तो आप डी सिलेक्ट पे क्लिक करें या कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करें, सिलेक्शन हट जाएगा। मैंने दोबारा ध्यान से थोड़ा सिलेक्ट करा, ये मिकी माउस का चेहरा सिलेक्ट करा, एडिट में जाके बोला कॉपी, फिर एडिट में जाके बोला पेस्ट। अब मैं मूव टूल लूंगा तो यहां पर अब मैं मिकी माउस के चेहरे को मूव कर पा रहा हूं। ये तो मूव टूल का इस्तेमाल किसी भी इमेज को मूव करने के लिए किया जाता है। अगर आपको डिलीट करना है तो आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके उस इमेज को जो ऊपर से आ रही थी उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो मूव टूल का काम समझ में आया, किसी भी पिक्चर को मूव करने के लिए इस्तेमाल होगा मूव टूल। लेकिन अब बात आ रही है कि जब हम इस पिक्चर को मूव करने की बात कर रहे हैं तो यह हमें एरर दे दे रहा है। ये एरर क्यों है? क्योंकि फोटोशॉप जो है ये लेयर बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब लेयर क्या होती है, मैं पहले आपको लेयर की विंडो ला के दिखाता हूं, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा कि लेयर विंडो क्या होता है। विंडो मेन्यू में क्लिक करेंगे और यहां से हम ऑप्शन लेंगे लेयर्स, जिसका शॉर्टकट है F7। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी राइट हैंड साइड पे, यह कहलाता है लेयर। अभी इस पे लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड, और इसके बगल में गौर करेंगे एक लॉक बना हुआ आ रहा है, मतलब ये लॉक है, आप इसे मूव नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूं इस लॉक को हटाना, तो लॉक को रिमूव करने के लिए आप बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करें और ओके पे क्लिक करते हैं, तो अब आपका जो बैकग्राउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेयर में, लेयर जीरो लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इसे बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। और जो मैंने थोड़ी देर पहले कॉपी पेस्ट करा था वो क्या था, ये देखिए अभी मेरे पास एक ही लेयर है। मैंने फिर से मार्की टूल लिया, इमेज को सेलेक्ट करा, एडिट में जाके बोला कॉपी, और फिर एडिट में जाके क्लिक करा पेस्ट पे। तो अब यहां पर मेरे पास दो लेयर्स आ चुकी हैं, एक है लेयर जीरो और एक है लेयर वन। लेयर वन जो है इसमें केवल मिकी माउस का फेस है, और लेयर जीरो में पूरा मिकी माउस है। अब अगर मैं लेयर वन पे क्लिक करके मूव टूल से इमेज को मूव करूंगा तो जो लेयर वन है वो मूव होगा,
और लेयर जीरो सेलेक्ट करके अगर मैं पिक्चर को मूव करूंगा तो वो पीछे वाली इमेज यानी कि लेयर जीरो मूव होगा। तो किसी भी इमेज को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मूव टूल का। और लेयर जीरो पे क्लिक करके अगर डिलीट बटन दबाऊंगा तो लेयर जीरो डिलीट होगी, और लेयर वन पे क्लिक करके अगर डिलीट बटन प्रेस करता हूं तो लेयर वन रिमूव होगी। तो ये था लेयर। हालांकि लेयर के लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक रखूंगा जिसमें और हम डिटेल में बात करेंगे लेयर्स के और फायदे क्या क्या है। तो रेक्टेंगुलर टूल का काम है किसी रेक्टेंगल शेप में पिक्चर को सिलेक्ट करना। अब इस पर आप क्लिक करे रखेंगे दो सेकेंड, एक या दो सेकेंड के लिए, तो कुछ अंदर ऑप्शंस खुलकर आएंगे जिसमें से सेकेंड ऑप्शन है एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल क्या करता है, सिलेक्ट तो करता है लेकिन सर्कल या ओवल शेप में, एलिप्स के शेप में। तो फिर कॉपी पेस्ट, ये शेप आया। अब ये ओवल शेप में, कैसे कह सकते हैं ओवल शेप में है, क्योंकि अभी यहां पर लेयर जीरो और लेयर वन के पहले एक आंख बनी हुई है, आई बनी हुई आ रही है। इसका मतलब है ये लेयर आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं लेयर जीरो के पहले जो एक आईज बनी हुई आ रही है इस पर क्लिक करता हूं तो वो आईज हट जाएगी, आंख हट जाएगी। इसका मतलब अब लेयर जीरो आपको विजिबल नहीं। तो जिसके सामने आई बनी हुई होगी इसका मतलब वो दिखाई देगा, जिसके सामने आईज बनी हुई नहीं होगी इसका मतलब वो लेयर दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, ये जो सिलेक्ट है ये ओवल शेप में सिलेक्ट है। तो एलिप्टिकल मार्की टूल ओवल शेप में किसी भी इमेज को सिलेक्ट करता है। मैं वापस लेयर वन पे क्लिक करता हूं, ये आ गई। अगला है इसके बाद लैसो टूल। लैसो टूल का काम भी सिलेक्ट करना होता है, लेकिन लैसो टूल जो है ये फ्री हैंड टूल होता है। फ्री हैंड टूल मतलब मैंने माउस का क्लिक दबाए रखा हुआ है और मैं यहां से मिकी का फेस सिलेक्ट करने जा रहा हूं। जल्दबाजी में मेरे से काफी आड़ा तेड़ा सिलेक्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो सही सिलेक्ट होगा। आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और यदि आपने छोड़ा तो वो ऑटोमेटिकली वहीं जाकर मिल जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। तो मैं इसको दबाए रखता हूं और पूरा वहीं ले जाकर छोड़ूंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। ये सिलेक्ट, कॉपी पेस्ट, ये मिकी माउस का फेस आया केवल। लेयर जीरो पे मैं की विजिबिलिटी मैंने बंद करी तो ये मिकी माउस का शेप सेलेक्ट हुआ। अब इसके जो कान हैं थोड़े से अंदर बाहर आड़ा टेढ़ा शेप सेलेक्ट है, तो यहां पर मुझे माउस के क्लिक को दबाए रखना पड़ा। कब तक, जब तक वहीं पे ले जाके ना छोड़ू जहां से मैंने सेलेक्ट किया है। रिमूव करने के लिए वही डिलीट, लेसो टूल। इस टूल का प्रयोग इमेज को कट करने के लिए किया जाता है, परंतु यह टूल इमेज को सही तरीके से कट नहीं कर पाता, देखा भी आपने। यह टूल असमान आकार की आकृति को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। असमान यानी के जैसे मिकी माउस का जो फेस है वो एक प्रॉपर शेप में नहीं है, ना वो पूरा सर्कल है, ना वो पूरा रेक्टेंगल है, ना वो पूरा ट्रायंगल है। एक चेहरा है, उसमें कोई शेप नहीं होता, तो ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है। इस वजह से मेरे को लेसो टूल अंदर बार करके सिलेक्ट करना पड़ा। अगला है पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल क्या है, इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं। इस टूल का प्रयोग भी इमेज को कट करने के लिए ही किया जाता है लेसो टूल की तरह, परंतु यह टूल इमेज को बहुभुज आकार में सिलेक्ट करता है। यह टूल लेसो टूल के समान ही कार्य करता है, लेकिन इसमें सिलेक्शन आयतकार आकृति में होता है। यह क्या है प्रैक्टिकली समझाता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं।
लेसो टूल में हमें क्लिप को दबाए रखना पड़ा था, लेकिन पॉलीगन लेसो टूल में आपको एक बार क्लिक करना है, ये सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली, ये लाइन दिख रही है। अभी मैं माउस का क्लिक छोड़ चुका हूं, ये तब तक नॉट यहां पर टाई रहेगा जब तक मैं दूसरा क्लिक नहीं कर देता। ये मैंने दूसरा क्लिक करा, अब ये यहां पर टाई हो गया, तीसरा चौथा, गिनना नहीं है बस बता रहा हूं मैं, इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है। ये कट टू कट एच एस के फॉर्मेट में काम करेगा। ये मैं क्लिक करता जा रहा हूं, और बाय चांस शुरुआत में हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा हो जाए कि ये गलत सिलेक्ट हो जाए, ये अंदर आ गया। मैं अब इस सिलेक्शन को बाहर निकालने का क्या रास्ता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करना है। तो जैसे जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करते जाओगे, ये नॉट ऑटोमेटिकली रिवर्स फॉर्म में ओपन करता जाएगा, और फिर जहां तक आपने सिलेक्ट किया वहां तक जाकर दोबारा से आप अपने सिलेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं कभी कुछ गलती हो जाने पर। तो अभी भी थोड़ा तो गड़बड़ ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन पहले वाले पिछले सिलेक्शन के कंपैरिजन में तो अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा है। अभी मैं थोड़ा जल्दी करता हूं इसलिए ज्यादा सफाई को ध्यान में ना रखते हुए इसका हाथ का थोड़ा सा पोर्शन आ जाने देता हूं। मुझे वापस वहीं जाना होगा जहां से मैंने सिलेक्शन की शुरुआत की है, और जैसे ही आप अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की है, तो वहां पर देखिएगा कि आपके टूल के बगल में एक छोटा सा जीरो बना हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही मैं लाइन से टच करूंगा, ये जीरो आ गया, हट गया, आ गया, हट गया, आ गया। तो जैसे ही जीरो आ जाए मतलब आप बिल्कुल सही हो, आप अपना आखिरी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही मैं अपना आखिरी क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, अगेन कॉपी पेस्ट। अब आप मिकी माउस का चेहरा देखिए, थोड़ा सा बेहतर सिलेक्ट हुआ है पिछले वाले की तुलना में। तो यहां पर मैं क्लिक क्लिक करता जाऊंगा, बीच में मुझे थोड़ा रेस्ट लेने का टाइम मिलेगा जो लेसो टूल में नहीं मिलता है। तीसरा और आखिरी टूल है इस वीडियो सेशन का, अभी टूल्स काफी सारे, मैग्नेटिक लेसो टूल। यह भी एक लेसो टूल है जिसका प्रयोग इमेज को कट करने के लिए किया जाता है पिछले लेसो और पॉलीग्लन लेसो टूल की तरह, परंतु यह टूल इमेज को सही तरीके से सिलेक्ट करके उसे कट करता है। अनियमित आकार को सिलेक्ट करने के लिए यह सबसे आसान टूल है। इसे सिलेक्शन करने के लिए अक्षत आकार में माउस को घुमाते जाइए, यह टूल स्वयं ही इमेज के भाग को सिलेक्ट करता जाता है। यह क्या है प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं अब इस पर क्लिक करे रखूंगा और थर्ड टूल लूंगा, मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल भी पॉलीगन लेसो टूल की तरह काम करता है, जिसमें आपको क्लिक कर करके आप नॉड्स बना सकते हैं। अगर आप क्लिक नहीं भी करते हैं तो यह खुद ब खुद ही नॉड अपने आप बनाता जाएगा। ये देखिए, मैं बस माउस छोड़ चुका हूं और मैं बस आगे बढ़ता जा रहा हूं अपने आकार को लेकर, आकार के तरफ। ये खुद ब खुद नॉट्स क्रिएट करेगा, जहां जहां इसे सेम कलर्स मिलते जाएंगे ये कर्व लाइन ऑटोमेटिकली जाती जाएगी, और कभी आपसे कुछ गलत हो जाता है यानी आपका माउस पॉइंटर अंदर बाहर हो जाता है कुछ इस तरह से, तो यहां पर भी वही तरीका होगा, डिलीट बटन प्रेस करते जाएं तब तक जब तक आप सही लोकेशन पर ना आ जाएं। तो जब आपको कोई ऐसा पोर्शन सिलेक्ट करना हो जो कि इररेगुलर शेप में हो, ना वो एक बेसिक शेप, रेक्टेंगल, ट्रायंगल,
स्क्वायर या सर्कल जैसा ना हो, आवल जैसा ना हो, तो पॉलीगन टूल, मैग्नेटिक पॉलीगन टूल बेस्ट रहेगा उस सिलेक्शन के लिए। इस बार तो मैं इसका हाथ को भी कवर करूंगा, आप अपने मदद से भी आप क्लिक कर सकते हो, अपने तरफ से क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप माउस घुमाते जाइए, ये ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट करता जाएगा। और ले जाके वहीं छोड़ना है जहां से शुरू किया था, और पॉलीगन टूल की तरह ही जैसे ही आप शुरुआती नॉट पर जाओगे तो ऑटोमेटिकली सर्कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हट गया, वापस आया, फिर हट गया, फिर वापस आया, तो जैसे ही सर्कल आ जाए तो ये आपका आखिरी क्लिक होगा, ये लास्ट क्लिक करो, इसने सिलेक्ट कर दिया। अगेन कॉपी पेस्ट, ये देखिए इसके कान देखेंगे प्रॉपर ये शेप में सिलेक्ट हुआ है, तो बिल्कुल बारीकी से सिलेक्ट करता है मैग्नेटिक लैसो टूल। तो इस वीडियो सेशन में हमने कवर करा है सबसे पहला रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलेक्ट्रिकल मार्की टूल, मूव टूल, तीन तरह के लैसो टूल, लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट सेशन में आने वाले अगले कुछ टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे।